यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो एवरीवन, टीएलसी यानी कि इसे हम डब्ल्यूबीसीस यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसीस क्यों बढ़ता है, शरीर में कितना होना चाहिए, ये हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, अगर डब्ल्यूबीसीस यानी टीएलसी बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, कम हो जाए तो क्या हो सकता है, कौन से सी बीमारियाँ होती हैं जिनमें ये बढ़ता है या कम होता है। तो डब्ल्यूबीसीस का जब हमें पता लगाना हो तो हम सीबीसी कराते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फीवर आता है, जुखाम खांसी होता है, लंबे समय से अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक रिपोर्ट कराने की सलाह देते हैं जिसे हम बोलते हैं सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। जब भी आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं यानी कि सीबीसी कराते हैं तो इस रिपोर्ट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यानी काफ़ी सारे पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन कितना है यानी हमारे शरीर में खून की मात्रा कितनी है, इसके अलावा हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी है यानी टीएलसी की मात्रा कितनी है, इसके अलावा मोनोसिट्स कितना है, लिम्फोसिट्स की मात्रा कितनी है, ईसोनोफिल्स की मात्रा कितनी है, वैसोफिल्स की मात्रा कितनी है, प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है, काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। कई जगह पर सीबीसी के अंदर ESR भी कराया जाता है जिसे हम एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई सारे पैरामीटर्स इसके अंदर आ जाते हैं, MCH, MCV और भी अलग अलग प्रकार के इसमें पैरामीटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जब भी किसी मरीज की WBCs काउंट बढ़ेगी यानी कि जब भी किसी मरीज को कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई ब्लड के अंदर खून के अंदर इन्फेक्शन उस मरीज को परेशान कर रहा है, लंबे समय से उसको इन्फेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम CBC कराते हैं। अब इस CBC में अगर आपकी WBCs काउंट यानी TLC जिसे हम वाइट ब्लड काउंट कहते हैं वो बढ़ा हुआ आए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें वाइट ब्लड काउंट बढ़ के आता है यानी कि हाई देखने को मिलेगा। तो हाई WBCs काउंट यानी कि हाई TLC या कहें हाई वाइट ब्लड काउंट होने के क्या क्या रीज़न होते हैं, तो सबसे पहला रीज़न होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस मरीज की WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज को कैंसरस डिसीज है, कैंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, डिसीज है, डिसऑर्डर है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस मरीज के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और कई बार ये इतनी तेज़ी से गिरते भी हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा कई बार मरीज को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जैसे वायरल इन्फेक्शन हो तो ऐसी सिचुएशन में वाइट ब्लड सेल्स जो होता है हमारा कम हो जाता है, कम देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिनमें WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा होता है एलर्जी। अगर किसी मरीज को एलर्जी है तो ऐसी सिचुएशन में वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी में अगर आप CBC टेस्ट कराएंगे और उस महिला में वाइट ब्लड काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिल रहना है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी में WBCs काउंट बढ़ जाता है। इसके अलावा हाई वर्कआउट, अगर कोई बहुत ज़्यादा कसरत करता है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट है उसका, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या जिम जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी WBCs की मात्रा कई बार बढ़ी हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा हो सकता है कि उस मरीज को इंजुरी हो, कोई चोट लग गई हो, ऐसी सिचुएशन में भी WBCs बढ़ जाता है, या किसी मरीज को इन्फ्लेमेशन हो यानी कि कहीं शरीर में सूजन हो रही हो तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका वाइट ब्लड काउंट बढ़ जाता है। किसी मरीज को WBCs की वजह से या कहें कि अगर किसी मरीज को फीवर आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में भी WBCs की मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिल जाती है। तो इन सारे रीज़नों की वजह से WBCs की मात्रा बढ़ जाएगी।
कैसे इसे ठीक कर सकते हैं और ये कैसे ठीक होगा, क्या क्या उपयोगी हमारे शरीर के लिए होता है। तो सबसे पहले ये हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन आता है उसे ख़त्म करता है, दूसरा हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है बाहरी एनवायरमेंटल जो इन्फेक्शंस होते हैं उससे, शरीर के अंदर कोई अनयूजुअल सेल्स अगर डेवलप होते हैं उसे नष्ट करने में ये हेल्प करता है, इन्फेक्शन को भी ये नष्ट करने में हेल्प करता है। तो जब भी कोई बाहर की सेल्स जाएगी, इन्फेक्शन जाएगा, तो हमारे शरीर में इसे ख़त्म करने के लिए WBCs जो हैं यानी गार्ड लगाए हुए हैं। अब अगर बात करें कैसे ठीक करें, तो पर्टिकुलर बीमारी का इलाज हम कराएंगे तो हमारी WBCs काउंट जो है वो कम हो जाएगी, यानी बढ़ी हुई WBCs काउंट को हम कम करने का हमारे पास एक ही तरीका होता है। अगर किसी को फीवर आ रहा है तो फीवर की मेडिसिन लें, किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मेडिसिन लें, किसी को कोई और बीमारी है, एलर्जी है या इन्फ्लेमेशन है तो उसे कम करें, तभी जाके आपकी WBCs कम होगी। WBCs कम करने के लिए स्पेसिफिक कोई भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको कहीं भी भटकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होता चला जाएगा, WBCs की मात्रा भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।